ये बताइए कि जो छोटी वाली शीशी है इसमें कितने डोज लगते हैं? 10 डोज। 10 डोज लगते हैं एक छोटे से शीशी में। तो पहली बार में जिनको लग रहा है उनको भी 10 डोज लगेगा और दूसरी बार में जिनको लग रहा है उनको भी, मतलब डोज का अमाउंट सेम होगा पहले और दूसरे दोनों बार में। अच्छा, अब ड्यूरेशन कितना है टाइम, जैसे पहली वैक्सीन जिनको लगी है तो दूसरी वैक्सीन के लिए कितना वेट करना पड़ेगा लोगों को? 84 दिन का टाइम दिया गया है। अच्छा, एक महीने बाद हो जा रहा है, एक महीने बाद लग जाएगा, क्या बात है। तो न्यू अपडेट ये आई है कि अगर आप चाहें तो एक महीने बाद भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, दूसरी वाली डोज लगवा सकते हैं। अभी भारत में 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड और एक है स्पुतनिक वी जो रशियन वैक्सीन है। तो आपकी मर्जी के हिसाब से है कि आप कौन सा वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग कोविशील्ड ही लगवा रहे हैं। आपको भी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और कोरोना वायरस का अपडेट आ चुका है तो आप लोगों को सजग होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये वायरस खतरनाक नहीं है लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस वायरस से बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में या मेडिकल स्टाफ के पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसमें शक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर गली और हर कूचे में वैक्सीन लगवाया जा रहा है, सरकार की ये मुहिम है, जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत में छूटना नहीं चाहिए, सबको वैक्सीनेट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी आप लोगों को पता ही होगा कि ओमिक्रोन वायरस आ चुका है और इंडिया में भी इसके केसेस देखे जा रहे हैं, तो हर जगह वैक्सीन लगवाई जा रही है। जो भी लोग अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहन के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिर वही पुरानी कथा शुरू होने वाली है, क्योंकि जो दुश्मन है वो दुगुनी स्पीड से इंडिया में प्रवेश कर चुका है और हम बात कर रहे हैं ओमिक्रोन वायरस जो कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट है। तो देखिए यहाँ पे भी ये बजरंगबली के मंदिर के जस्ट सामने वैक्सीन लगवाई जा रही है और भीड़ लगी हुई है, जो वैक्सीन जिनका पहली बार है वो भी लगवा रहे हैं और जिनका दूसरी बार है वो भी लगवा रहे हैं। तो आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए जिससे सुरक्षा थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ओमिक्रोन वायरस के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रोन वायरस पे ये वैक्सीन असरकारक है कि नहीं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी गली में, आपके अस्पताल में, कहीं पे भी अगर वैक्सीन लगवाया जा रहा है तो अब बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, बस आपको पता करने की ज़रूरत है।